मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक ऐसी बीमारी है जो किसी भी इंसान को चलने फिरने से मजबूर कर लेती है, लेकिन अगर आप में काम करने का जज्बा और स्ट्रॉन्ग विल पावर है तो यह बीमारी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आज हम एक ऐसी ही शख्सियत से मिलने वाले हैं जिन्होंने इस बीमारी को कभी भी अपनी जिंदगी में रुकावट नहीं बनने दिया। बारह तेरह साल की उम्र में मैंने रियलाइज किया कि कुछ प्रॉब्लम मुझे है, मैं एकदम और लोगों की तरह से नॉर्मल नहीं चल पा रही, क्योंकि मेरे पहले दोनों बड़े ब्रदर्स को मस्कुलर डिस्ट्रॉफी थी, तो मुझे एकदम से पता चल गया कि यही बीमारी मुझे भी होने जा रही है, क्योंकि दोनों ही मुझसे बड़े हैं। जो जो चीज़ें उनकी लाइफ में आई थी और जो प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे थे, ये मैंने अपने आप से ही ट्यूनिंग कर ली कि मैं वो प्रॉब्लम्स अपनी लाइफ के ऊपर हावी नहीं होने दूँगी। इसी तरह से करते करते धीरे धीरे पूरी स्टडीज़, पंजाब यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन इन ड्रेस डिज़ाइनिंग, फिर यहाँ पर आपकी बुटीक सेटअप करना और साथ साथ ही मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एसोसिएशन का गठन करना। संजना अपना एक स्टिच एंड स्टाइल नामक का बुटीक चलाती है, जहाँ पर विभिन्न प्रकार की महिलाओं के कपड़े डिज़ाइन किए जाते हैं और उन्हें बेचा जाता है। संजना बुटीक के साथ साथ शारीरिक और मानसिक रूप से कमज़ोर बच्चों के लिए स्कूल भी चलाती हैं, जहां बच्चे पढ़ाई के साथ साथ डांस भी सीखते हैं। लड़कियों को ब्यूटिशियन की ट्रेनिंग दी जाती है ताकि आगे चलकर वे अपना व्यवसाय शुरू कर सकें। इन बच्चों के माता पिता इन बच्चों को पूरे विश्वास के साथ संजना के स्कूल में भेजते हैं। उन्हें लगता है कि इस स्कूल में इनके बच्चों का विकास होता है और उन्हें एक सही दिशा मिलती है। उनके द्वारा टीचर जो रखे गए हैं उससे मेरे बच्चे में एक्टिविटीज़ बहुत आई है। संजना मैडम ने जो सहयोग हमें दिया है, पूरे बच्चे बड़ी खुशी खुशी संडे को भी आने के लिए तैयार है, कोई छुट्टी करने के लिए कोई तैयार नहीं है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एसोसिएशन का इतना ज़्यादा एक्सपेंशन हो गया है कि पूरे भारतवर्ष में सब लोग जानते हैं कि इस तरह की संस्था कोई है जो काम कर रही है, तो इससे मुझे बहुत कॉन्फिडेंस आया कि खुद आगे निकलने से, खुद बढ़ने से बहुत कुछ सॉल्व हो जाता है, न सिर्फ अपने लिए बल्कि सारी दुनिया के लिए। क्या संजना गोयल को देखकर आपको ये लगा कि अगर आप शारीरिक रूप से कमजोर है तो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते? मेरा ये मानना है अगर आप में स्ट्रॉन्ग विल पावर और काम करने का जज्बा है तो कोई भी शारीरिक कमजोरी आपकी जिंदगी में रुकावट नहीं बन सकती। इंडिया अनहर्ड के लिए प्रतिभा रोल्टा, सोलन, हिमाचल प्रदेश से।